अब रेजिस्टेंस एरिया पे यहाँ पे प्राइस कहाँ जाएगा, यहाँ प्राइस ऊपर जा सकता है या प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, नो बडीज नो। तो प्राइस यहाँ पे ट्राई करना है ब्रेकआउट करने के, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया। ओके हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैंने रिलायंस का चार्ट ले रखा है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझने के लिए ना, जैसे कि ये मूव आया है रिलायंस में, अगर मैं बताऊं ये जो रिलायंस में मूव आया है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास एक लोअर लेवल है या हमारे पास एक हायर लेवल है फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लेवल्स को मार्क कर लेंगे। सबसे पहला काम होता है, अगर आप चार्ट एनालिसिस करते हैं किसी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उनको आपको मार्क कर लेना होता है एज अ सपोर्ट एंड डिमांड एरिया। मैं आपको, ये हमारा बाय एरिया है, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, हम इसको भी मार्क करके रख लेते हैं। अगर आगे जो प्राइस बनेगा वो आपको बताऊंगा किस तरीके से। सो प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, प्राइस नीचे जा रहा है। कई लोग करते हैं, अब डायरेक्ट इतना फॉल हो गया ना वहाँ पे वो बाय करते हैं। क्या होता है कई बार कि इतनी बैक टू बैक रेड कैंडल के बाद कई बार लोग होते हैं यहाँ पर बाय कर बैठते हैं एट द बॉटम, और ये जो प्राइस, ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये कैंडल उनका स्टॉप लॉस ले जाती है। तो हमें क्या करना है, सपोज़ ये प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, नो डाउट ये रेजिस्टेंस एरिया था, प्राइस ने फॉल दिखाया, एक सेलिंग प्रेशर आया, आपको क्या करना है, सिंपल वेट करना है। वेट क्या करना है, एक पुल बैक का, एक बाउंस का। नाउ एंट्री कहाँ करनी है, अगर ये जेन्युइन मार्केट नीचे जा रही है तो आप क्या कर सकते हैं, री एंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल फीबो का यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फीबो को हाई, जहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया उस लो तक आपको क्या करना है, फीबो को ड्रॉ कर लेना है, और इस फीबो में आपको वेट करना है 0.5 तक या 0.38 तक। अगर प्राइस वहाँ से रिएक्शन फेस करता है डेफिनेटली आप वहाँ पे जो ट्रेड ले सकते हैं। सपोज़ मैंने फीबो बना लिया, मेरे पास 0.5 का जो लेवल है, 50% का जो लेवल है इस एरिया के आसपास है, यानी ये एरिया है। अब हम देखते हैं कि प्राइस कैसे, किस तरीके से मूव करता है। ना प्ले करते हैं कैंडल हम। ओके प्राइस गया, रिजेक्शन फेस किया, हमारी एंट्री जो होनी चाहिए थी यहाँ से, प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया, जैसे ही स्कैंडल का लो ब्रेक हुआ यहाँ पे हमारी सेल एंट्री, जस्ट इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस। टारगेट, टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बाउंस भी दिखाया, तो यहाँ ये पहला टारगेट होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितना पॉइंट्स मिला, तो अगर यहाँ से यहाँ तक मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो लगभग अगर आपको बता दूँ 73 पॉइंट्स इन रिलायंस। सो ये एक स्कैल्पिंग भी हो सकती है, एक बढ़िया ट्रेड भी हो सकता था। नाउ प्राइस को नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं कि प्राइस अब आगे किस तरीके से जाता है। सो आपको कभी ना हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। सपोज़ अगर आप यहाँ बाय, यहाँ सेल करते हैं और ये कैंडल आपके स्टॉप लॉस ले जाती है, फिर आप उसमें बैठे रहते हैं, आपकी एंट्री यहाँ हुई एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट नीचे की तरफ मिला। नाउ कैंडल को प्ले करते हैं। ओके नाउ प्राइस यहाँ से जो है सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। ओके हमें ये नीचे का एरिया भी ध्यान रखना है एज एट सपोर्ट एरिया। नाउ प्राइस जो है अपने नीचे के लेवल पर आ गया, सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। सपोर्ट एरिया का सपोर्ट, कई बार क्या होता है ना, लोग एकदम गलती क्या करते हैं कि इतनी खासी सेलिंग के बाद लोग सोचते हैं बस अब तो प्राइस नीचे गया और जाके वो एकदम सपोर्ट एरिया पे बाय करते हैं। हमें क्या करना होता है ना, सपोर्ट एरिया पे जब भी प्राइस आता है ना वहाँ पे हमें बाइंग की प्लानिंग करना चाहिए। बाइंग हम करना चाहिए जब वहाँ पे हमें सपोर्ट बनता हुआ दिखे। नाउ लुक एट दिस कैंडल, दिस कैंडल शोज दैट मार्केट जो है सपोर्ट एरिया के आसपास है और वहाँ पे बायर्स हैं, बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया है मार्केट को ऊपर लेने का। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पे हमारा बाय होना चाहिए। स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। मार्केट है, ऑल इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। सो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस या तो यहाँ होना चाहिए या फिर अगर आप थोड़ा सा स्पेस दें तो आपका स्टॉप लॉस, जेन्युइन स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। नाउ देखते हैं प्राइस इसके बाद किस तरीके से मूव करता है। ओके तो प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया, नाउ प्राइस ट्राइंग टू गो अप, यहाँ से एक लेवल मिला। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे लेवल्स बनते हैं ना हम इसको मार्क कर लेंगे। ये जो एरिया था प्राइस यहाँ तक गया, यहाँ पे सेलर्स आने की कोशिश किए, तो इन जो भी आपको स्विंग बनता हुआ दिखता है चार्ट पे उसको क्या करना है, आपको मार्क करते हुए चलना है। सपोज़ ये एक स्विंग बना, इस स्विंग को मैं ऐसे मार्क कर लूँगा। ओके नाउ अभी हमने एक ट्रेड लिया है, यहाँ पे हमने बाय किया है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर हमारा टारगेट हिट होता है। देखते हैं टारगेट की बात करें तो टारगेट आपका, जब सपोज़ आपने यहाँ बाय किया है या आपका अगर स्टॉप लॉस है तो इसके 2R जितना भी जाए मार्केट वो आपका टारगेट होना चाहिए, या फिर अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हैं सो यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया इज दिस। सो आप यहाँ तक का वेट कर सकते हैं, देखते हैं प्राइस किस तरीके से मूव करता है फर्दर। ओके सो प्ले करते हैं इसको। ओके नाउ प्राइस इज़ टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम हियर, यानी प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया। जिन लोगों ने भी नीचे जो बायर्स थे
जो जेन्युइन बायर्स थे जिन्होंने यहाँ से बाइंग स्टार्ट की, दे नो दैट कि दिस इज़ द सपोर्ट एरिया। तो सब बायर्स क्या करते हैं ना, प्राइस को उतना नीचे जाना नहीं देते, वो प्राइस को घुमा लेते हैं वहीं से। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, डेफिनेटली मार्केट में फिर सेलर्स जो थे वो हावी हो जाते हैं। तो बायर्स ने यहाँ पे सपोर्ट किया प्राइस को, और प्राइस को इसके नीचे नहीं जाने दिया, यहाँ से सपोर्ट लेते हुए नाउ प्राइस जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास फिर पहुँचा है। नाउ देखते हैं कि अब किस तरीके से मूव करता है। ओके नाउ लुक एट दिस कैंडल। अगर आप देखें, अगर यहाँ पे जो थे सेलर्स यहाँ से ट्राई किए थे प्राइस को वापस नीचे ले जाने की, प्राइस बायर जो थे यहाँ से सपोर्ट लिए, और ये जो थी, ये जो था कहीं ना कहीं जितने लोग यहाँ पे ये सोच के सेलिंग का ट्रेड लिए होंगे उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़ा होगा। ये जो कैंडल बनी है हमारी, दिस इज़ द स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल। इसने कई लोगों के स्टॉप लॉस इसके ऊपर पड़ेंगे, उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए इतनी बड़ी जो कैंडल होती है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो इस तरह की कैंडल का फॉर्म करते हैं। सो दिस इज सेड दैट मार्केट इन जो है बायर्स के हाथ में है ना। अब जो प्राइस है कहीं ना कहीं जो एक इसका रेजिस्टेंस एरिया था, ये जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस एरिया था उसके आसपास ट्रेड कर रहा। अब हमें डायरेक्ट यहाँ बाय नहीं करना। अब रेजिस्टेंस एरिया पे यहाँ पे प्राइस कहाँ जाएगा, प्राइस ऊपर जा सकता है या प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, नो बडीज नो। प्राइस ऊपर तभी जाएगा जब इसके ऊपर सस्टेन करे या फिर यहाँ पे बुलिशनेस दिखाए, न्यू फ्रेश बायर्स हैं। अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे आता है तो सेलर्स के हाथ में फिर से आ जाएगा और प्राइस को कोशिश करेंगे वापस से नीचे लाने की, और नेक्स्ट जो भी सपोर्ट होगा वहाँ तक वो खींच के लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि कब प्राइस कहाँ तक जाता है। तो प्राइस यहाँ पे ट्राई करना है ब्रेकआउट करने की, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया। ओके यहाँ पे क्या किया सेलर्स ने, प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया, रेजिस्टेंस एरिया था वहीं से हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ इस कैंडल में हम एंट्री कर सकते थे। लेकिन अभी जो पिछला रेजिस्टेंस था, नाउ इट कुड बी एक्ट एज अ सपोर्ट, कुड बी एक्ट, जरूरी नहीं है कि करेगा लेकिन कर सकता है। प्राइस जो है यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है या प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है, नोबडी नोज। ओके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सपोज कि आपने इतनी बड़ी सेलिंग देखी, अगर आपने यहाँ एंट्री ले दैट्स गुड, लेकिन मेरा मानना है कभी भी आपको चलती बस में नहीं चढ़ना है, आपको करना है वेट का। जैसे हमने पिछले अभी देखा कि आप फीबो का यूज़ करके किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं, जो हमारी सेलिंग आई होती है ना, हमें क्या करना है, अगर हम बाइंग साइड बैठे हैं तो हमें देखना होता है कि बाइंग किस तरीके से। मान लो यहाँ से सेलिंग आई, हमने ऊपर से नीचे तक फीबो को ड्रॉ किया। ओके फीबो का यूज़ करते वक्त हम दो चीज़ों का वेट करेंगे, या तो 50% या फिर 38.2%, जैसे कि मैंने पहले बताया। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे 38 तक गया और वहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनी ये वाली। आपका सेल ट्रेड यहाँ होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर होना चाहिए। टारगेट, दिस इज़ योर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट इज़ दिस। नाउ तो अगर आप देखें तो प्राइस ने यहाँ से सेलिंग आई, आपने यहाँ ट्रेड लिया, आपका टारगेट जो होना चाहिए कहीं ना कहीं यहाँ तक होना चाहिए था। प्राइस ने इसको ब्रेक भी किया नीचे की तरफ लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई और यहीं से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जा रहा है ना। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन हो जाती है, सो इट कैन जो है ये जो है यहाँ तक आ सकती है, लेकिन किस केस में, अगर वो इस लेवल को पार करती है तो आप एक बाय का ट्रेड यहाँ ले सकते हैं, आपका टारगेट यहाँ हो सकता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना, ये जो रेंज है जहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ तो एक तगड़ी मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ आ सकती है। नाउ देखते हैं कि प्राइस किस तरीके से आगे। ओके तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है आपको दो तरह के बाय कर सकते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप जो है ब्रेकआउट हुआ है ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यू हैव टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। अदरवाइज यू कैन यूज़ फीबो फॉर बेस्ट एंट्री, फॉर द सेफर एंट्री यू कैन यूज़ फिबोनैची। नाउ प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, नाउ देखते हैं ये प्राइस किस तरीके से यहाँ से मूवमेंट दिखाता है। तो अगर आप देखें प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जितने भी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस, जो बड़े प्लेयर्स थे उनके स्टॉप लॉस यहाँ थे, उनका स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हुआ मार्केट जो थी
एक अच्छी खासी जो फ्रेश बाइंग कहते हैं, जो फ्रेश बायर होते हैं वो यहाँ उनकी एंट्री हो और प्राइस जो इस तरीके से जो है एक मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ मिला। अब कई जो लोग हैं वो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, डेफिनेटली ले सकते थे, लेकिन अगर सपोज़ आपने यहाँ मिस कर दिया तो कई बार क्या होता है जब इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है ना तो लोगों की एंट्री कहाँ होती है, यहाँ पर होती है, तब उनकी नज़र में जाता है। जब नए ट्रेडर्स होते हैं उनके उनका जो जो वो होती है ना एंट्री होती है वो यहाँ पे होती है, और यहाँ पे जो होती है ना प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी एग्जिट होती है, या फिर वो जो एंट्री किए होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए प्राइस होता है, थोड़ा सा यूँ करता है और फिर वो बाहर, फिर प्राइस यूँ वापस ऊपर चला जाता है। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्राइस रिएक्ट करता है। अब हमारे पास ये जो लेवल था पहले रेजिस्टेंस था, नाउ इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो अब देखते हैं प्राइस यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, तो प्राइस ने क्या किया यहाँ पर रिजेक्शन फेस करने लगा, यहाँ पर रेड कैंडल बनाए, तो हम क्या कर सकते हैं ना सिंपल, जी हमारी बाइंग आई है ऊपर की तरफ, हम क्या कर सकते हैं यहाँ से ब्रेकआउट मिला है हमें, ब्रेकआउट से जस्ट जहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है वहाँ पे फिबो को ड्रॉ करके जस्ट सिट हमें बैठना आराम से, देखना है कि प्राइस किस तरीके से या तो 38.2 से या फिर 50% के आसपास से। ओके, सो प्राइस जो है 50% के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ये हमारा मूवमेंट था फिबो से, ये सपोर्ट ले रहा है 50% का, अगर ये इसको क्रॉस करता है तो डेफिनेटली जो है फर्दर हम बाइंग कर सकते हैं और एक अच्छा मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ आ सकता है। नाउ देखते हैं प्राइस किस तरीके से मूव करता है। ओके, तो प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। टारगेट की अगर बात करूँ तो जो भी आपका स्टॉप लॉस उसका डबल आपका टारगेट होना चाहिए। नाउ मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल रही है, नाउ मार्केट इन बायर्स हैंड, तो हमें क्या वेट करना है। अब मार्केट लगातार तो ऊपर जा नहीं सकती, इट हैज़ टू बी टेक रेजिस्टेंस, तो अब यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अब ये जो एरिया है हमारा, ये यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, तो हम क्या करेंगे इस एरिया को मार्क कर लेंगे एज अ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इसका हाई पॉइंट्स है, आपको कभी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करना है सिंपल, सिंगल लाइन में कभी भी मार्क नहीं करना है आपको, एक रेंज वो मार्क करना है। अभी हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया नीचे की तरफ, अब प्राइस क्योंकि नीचे आ रहा तो नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, तो आपको क्या करना है नीचे की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है उसको आपको मार्क करना है, जैसे कि ये जो एरिया था हमारा, ये हमारा एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। क्यों करेगा, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था, मार्केट नीचे आई थी, बायर्स ने इसको ब्रेकआउट दिया है, अगर प्राइस वापस से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। ओके, ओके, तो सपोज़ किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री भी की तो उसका एग्जिट यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ द सपोर्ट एरिया, या फिर कोई नया बाइंग करना चाहता है तो यहाँ पे बाइंग कर सकता था, लेकिन एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मार्केट ने जो है यहाँ से यहाँ तक ये फॉल किया, तो आप क्या कर सकते हैं सिंपल फीबो को ड्रॉ कर सकते हैं। क्या होता है ना मार्केट लगातार एक डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करती है, तो अगर ये 0.5 के आसपास अगर देखें आप तो ये ट्रेड कर रही है 50% के आसपास ये ट्रेड कर रही है, तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकती है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो इस तरीके से मूव करेगी, अदरवाइज़ ये जो है यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे जा सकती है। नाउ ओके, तो प्राइस ने क्या किया, सपोज़ ये हमारी एक सप्लाई रेजिस्टेंस एरिया थी, सप्लाई एरिया थी जहाँ से ये सेलिंग आई, मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके 0.5 तक गई, 50% तक गई, वहीं से सेलर्स आए, आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी। अगर डाउनसाइड में प्ले करना चाहते हैं तो आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी, आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर होना चाहिए था, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए था, मार्केट ने इसको फ्लो में ब्रेक किया, सो यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट टारगेट। अब नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट जैसे कि हमने नीचे की तरफ अगर हमारा है तो नीचे की तरफ है, दिस इज़ द आवर सपोर्ट, तो अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करती है तो हम एक बाइंग की प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज इसको ब्रेक करती है तो फिर हम सेलिंग साइड भी जा सकते हैं। नाउ देखते हैं कि प्राइस किस तरीके से नीचे गई या फिर यहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गई।
ओके तो प्राइस जो है इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है सेलर्स प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहे, इस शेयर को ऊपर जाने नहीं दे रहे और यहीं से सेलर्स जो हैं इसको यहाँ तक लेके आए। ओके तो प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया है। अब या तो यहाँ से इस तरीके से ऊपर जा सकती है, या फिर अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो वापस से नीचे आ जाएगा और प्राइस जो है वापस से नीचे जा सकती है। नाउ देखते हैं किस तरीके से प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करती है। ओके सो दिस इज़ द ब्रेकआउट फेलियर। और मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स जो वेबिनार स्टूडेंट्स उनको कई बार बताता हूँ, जो ब्रेकआउट फेलियर केसेस होते हैं वो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। सो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने की कोशिश की और प्राइस वापस नीचे आ गई। नाउ देखते हैं प्राइस किस तरीके से मूव करती है नीचे की तरफ। नाउ देखते हैं प्राइस किस तरीके से बिहेव करती है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है ना, कंसोलिडेट कर रही है। ऊपर की तरफ सेलर्स का प्रेशर है, नीचे की तरफ बायर्स का प्रेशर है, जो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे। और ये इसकी जो अभी जो हमारी लेटेस्ट कैंडल थी, इसकी क्लोजिंग जो हुई है, अगर मैं इस कैंडल की डेट बताऊं तो ये कैंडल की डेट है 18 फरवरी, जो कि हमारी कल की यानी फ्राइडे की कैंडल है। सो व्हाट इज़ द सिनेरियो फॉर द अपकमिंग वीक्स, या जो आने वाला टाइम है उसमें क्या हो सकता है अगर प्राइस जो है वापस से, ये रिलायंस का चार्ट है, तो अगर रिलायंस का चार्ट 2500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, दिस इज़ द 2500 लेवल्स, अगर 2500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये वापस इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, विच इज़ अराउंड 2700। लेकिन अगर ये वापस नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ सपोर्ट हमारा ये है, इसको ब्रेक करेगा तो एक तगड़ी सेलिंग जो है रिलायंस में भी देखने को मिल सकती है। करंटली इसकी जो क्लोजिंग है नेगेटिव हुई है, तो अगर ये इस कैंडल के नीचे जाता है तो डेफिनेटली एक सेलिंग का प्रेशर आएगा, विच इज़ अराउंड 2400 के नीचे एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, नेक्स्ट टारगेट जो ये हो सकता है। सो दिस इज द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप किसी और शेयर पे इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डेफिनेटली इस तरह की वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको प्राइस एक्शन समझने में कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।